विजय राघवगढ़ विधानसभा से बीजेपी विधायक संजय पाठक के एक फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस बार संजय पाठक ने जनता के आदेश पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके लिए बकायदा विधायक द्वारा 21 से 25 अगस्त तक वोटिंग करवाई जा रही है, जिसमें जनता से पूछा है कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। पाठक का साफ कहना है कि अगर 50% से कम वोट मिले तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दरअसल इस साल कटनी के विजय राघवगढ़ विधानसभा से विधायक संजय पाठक ने जनता के आदेश पर ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए कार्यकर्ता मतदान पेटियां लेकर गांव-गांव और बूथ स्तर तक जा रहे हैं। वोटिंग के लिए मतदान पर्चे छपाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि क्या आप संजय सतेंद्र पाठक को पुनः अपना विधायक बनाना चाहते हैं। इसमें हाँ और नहीं के दो विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक पर टिक कर पर्चे को मतदान पेटी में डालना है। पेटियों को सील किया गया है। एक व्यक्ति एक ही बार वोट कर सकता है। 25 अगस्त को वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मतगणना की जाएगी। विधायक संजय पाठक ने दावा किया है कि यदि उनको 50% लोगों के मत नहीं मिले तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी जिसको चाहे उसे टिकट दे, उन्हें स्वीकार है। जनता तय करेगी उनके भाग्य का फैसला। विधायक संजय पाठक ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर आपको लगे कि मैंने कोई काम नहीं किया है तो आप मना कर देना। विजय राघवगढ़ मेरा परिवार है, आपकी सेवा हमेशा से करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा भाव जरूरी है। कि मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला हूं और इस दौरान आप सबका यहां पे आगमन होना ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो मैं चाहता था कि जो मतदान हो इसमें पूर्ण पारदर्शिता हो, पर आज इस पारदर्शिता को दिखाने के लिए, देखने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए आप सभी सम्माननीय पत्रकार बंधु भी पहुंच गए। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूं पूरे भारत में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई प्रधान सेवक यानी विधायक पहली बार ऐसा कर रहा होगा कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र, जिसको वो मैं स्वयं अपना परिवार, अपना घर मानता हूँ, यहाँ के निवासियों को अपना परिजन और परिवार मानता हूँ, और मैंने हमेशा यही रखा कि मुझे विधायक जी नहीं संजू भैया बोला करो। बड़े लोग संजू बोलते हैं, छोटे लोग संजू भैया बोलते हैं। कभी किसी ने मुझे विधायक जी नहीं बोला, कभी किसी ने मुझे मंत्री जी नहीं बोला। जीवन में मैंने बाबू जी ने इसका मैंने इस क्षेत्र में हर प्रकार की सेवाएँ दी हैं। विकास की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ी विकास में, चाहे बड़े लेवल के विकास रहे हों, चाहे गाँव के छोटे स्तर का भी विकास रहा हो। तो विकास में तो अब तो कोई भी बड़ी मांग हमारे क्षेत्र में बची ही नहीं है। तो विकास यहाँ एक तरफ विकास कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोगों के जितनी भी निजी तौर पे मदद हो सकती थी, उनके निजी जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, अड़चनें आती हैं, तो उनको भी, उनकी पीड़ा को हरने का भी काम किया। तो पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ जब मैंने पूर्ण सेवा भाव के साथ सेवा की तो मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं इतनी सेवा करता हूँ और मन में ये आया कि क्यों ना एक बार खुद का भी आकलन किया जाए। हर बार जनता मुझे स्नेह करती है, परिजन मेरे को प्यार करते हैं, इस क्षेत्र के लोग मुझे अपने परिवार का बेटा स्वरूप मानते हैं, तो मैंने कहा एक बार अब चुनाव के मौके पे, चुनाव आने के पहले मैं अपने परिजनों से आदेश लूँ कि क्या वो फिर से मुझे अपना अगली बार प्रधान सेवक के रूप में देखना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं कि नहीं। और इसलिए मैंने तय किया कि जब इतने मैंने भाव के साथ यहाँ पे क्षेत्र में लोगों की सेवा की है तो 50% से ऊपर लोगों का मन जीता हूँ कि नहीं आज तक, क्योंकि चुनाव जीतने के तो 40-42-43% वोट भी पर्याप्त होते हैं। 43-44% वोट पाके मैं विधायक बन चुका हूँ, 48-49% वोट पाके विधायक बन चुका हूँ, 68% वोट भी पाके विधायक बन चुका हूँ, पिछली बार 50% के लगभग वोट पाया था। तो मेरा ये मानना है या मेरी ये इच्छा है कि एक बार मैं ये देखूँ कि मेरे लोग, मेरे परिजन, मेरे विधानसभा क्षेत्र के वो मुझे क्या निर्देशित करते हैं। तो मैंने ये अपना स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए मैंने ये मतदान का एक प्रक्रिया अपनाई और लगभग जितने गांव उतनी मतपेटियाँ, उससे ज़्यादा मतपेटियाँ तैयार की, जितने पोलिंग बूथ उतनी मतपेटियाँ तैयार हो गई हैं। अभी आप लोग मतपेटियों की फ़ोटो भी लीजिएगा। मतपेटियों को बाकायदा जिस प्रकार से प्रशासनिक तरीके से सील किया जाता है वो सील करेंगे, चपड़ा लगाएंगे, उसमें लोगों के दस्तखत होंगे, अंगूठा होंगे, सब होंगे, और इस सारी प्रक्रिया लाइव वीडियो में चलेगी, फेसबुक में, अन्य माध्यम से या चैनलों के माध्यम से लाइव चलेगी, और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे।
हर गांव में वोटिंग होगी, हर मोहल्ले में वोटिंग होगी, कोई छूट ना जाए किसानी के चक्कर में, कोई बाहर अगर हो तो उसको भी, अगर दूसरे दिन आ रहा है तो दूसरे दिन भी वोटिंग होगी, प्रतिदिन सील लगा के पैक किया जाएगा, सील भी पब्लिक के सामने खोली जाएगी, लाइव सील किया जाएगा, लाइव खोला जाएगा उसको, और इस प्रकार से 3 दिन 4 दिन तक मतदान चलेगा, जब तक कि पूरा मतदान ना हो जाए, उसके पश्चात 25 तारीख को गिनती होगी, और गिनती के उपरांत अगर 50% मतों में 50% से 1 वोट भी कम मिला तो ईश्वर की सौगंध खाता हूँ चुनाव नहीं लड़ूंगा।